Hi guys, this is Siddhant from PhilLife and today we'll be talking about Voltas Limited. तो वोल्टास एक कंपनी है जो वाइट गुड्स में डील करती है, जैसे कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर हम वोल्टास की बात करें तो टाटा सन्स की कंपनी है, तो एथिकल पैरामीटर पे ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेडेड वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का 20,000 करोड़ का है करेंटली एज ऑफ सेप्टेम्बर मिड 2018। अगर हम इसकी करंट डेट देखें तो डेट 100 करोड़ का है एज़ कम्पेयर टू द असेट्स ऑफ 2,700 करोड़। तो डेट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में बैंक्रप्सी के कोई वो नहीं है चांसेस। अगर कंपनी को और एक्सपैंड करना है तो ये फर्दर डेट ले सकता है, जिससे इसको इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से टैक्स बेनिफिट भी होएगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 2015 से लेकर 2018 में इसका प्रॉफिट इंक्रीज़ करा है फ्रॉम 245 करोड़ टू अप्रॉक्सीमेटली 574 करोड़। कंपनी की अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो कंपनी का ग्रोथ रेट इसका प्रॉफिट का काफ़ी अच्छा है। अगर हम अर्निंग पर शेयर देखें तो 7 से 17 तक का इसका अर्निंग पर शेयर हो गया है 2014 से लेकर 2018 में, विच इज़ एवरेज ग्रोथ रेट इन द अर्निंग पर शेयर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 24.83%। 24 का अर्निंग पर शेयर हल्का सा हाई है, तो हम इसका जो अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ रेट मानेंगे फॉर आर फ्यूचर कैलकुलेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस, वो हम 20% का लेकर चलते हैं। करंट अगर देखें 20% के हिसाब से ग्रो कराते हैं, अगर 17 को जो इसका 2018 का अर्निंग पर शेयर है, तो हमारा जो नया अर्निंग पर शेयर आएगा 2023 का वो आएगा 42.30। मतलब कि अगर मैं 17 को 20% से इंक्रीज़ करते रहता हूँ हर साल फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो मेरा जो नया अर्निंग पर शेयर 2023 का आना चाहिए वो आना चाहिए 42.30। मतलब दिस इज़ सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन जो हमने बनाई है स्टॉक से, क्योंकि ये ऑलरेडी हर समय बढ़ रहा है 24% से, लेकिन हम कंजर्वेटिव ले रहे हैं। मान लो लगभग ये 20% से अगर बढ़ता है तो 42 का अर्निंग पर शेयर हमको मिल जाए पर शेयर 2023 में। इसका पी बैंड यूजुअली ट्रेड करता है बिटवीन 26 एंड 31। मतलब कि ये स्टॉक यूजुअली पी मल्टीपल्स पे चलता है ऑफ 26 एंड 31 के बीच में कहीं ना कहीं। तो अगर मैं 42.30 जो मेरा फ्यूचर का अर्निंग पर शेयर आया है उसको मल्टीप्लाई करता हूँ इसके मिनिमम और मैक्सिमम पी से, तो मेरा जो नया प्राइस आता है वो आता है 1111 के आसपास एंड 1317 ऑन द ऑप्टिमिस्टिक फ्रंट। उसके हिसाब से मेरे को रिटर्न मिलेगा 17 से 21% का लगभग वोल्टास में करंट इन्वेस्ट करने पर, जो करंट प्राइसेस का है 617। तो अगर हम 617 पे इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 17 से 21% तक का रिटर्न हमको मिल सकता है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इफ़ वी इन्वेस्ट इन वोल्टास। तो ओवरऑल कंपनी सही लग रही है करंट लेवल्स पर। अगर इसका सपोर्ट देखें तो इसका जो नियर टर्म अच्छा सपोर्ट है तो दैट इज़ अराउंड 450, और जो रेजिस्टेंस है वो 650 की रेजिस्टेंस है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल आप हल्का सा करेक्शन का वेट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी लुक्रेटिव है, लेकिन करेक्शन पे अगर खरीदेंगे हल्का सा तो विल बी वेरी गुड। सो दैट्स अबाउट इट फॉर वोल्टास। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं ये वीडियो, देन यू कैन सब्सक्राइब टू आर चैनल, क्लिक द बेल आइकन, जिससे कि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। प्लस अगर आपके पास कोई ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आप रिव्यू करवाना चाहते हैं, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट्स, हम आपको उसका रिव्यू करके बता सकते हैं। हमारी डेली एक वीडियो आती है वर्किंग डेज पे, मंडे टू फ्राइडे यूजुअली एवरी वीक। और दैट्स अबाउट इट फॉर द वीडियो। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू सो मच।